बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। आई एम द टीचर ऑफ सुपीरियर मॉडल स्कूल। आई एम योर साइंस टीचर ऑफ क्लास 1। टुडे आवर लेक्चर इज लेक्चर नंबर 9। ओके स्टूडेंट, इससे पहले हमने यूनिट नंबर 3 किया था, उसकी रीडिंग और एक्सरसाइज दोनों मैंने आप लोग को करवाई है और आपने जो है अच्छे तरीके से वो की होगी। लेकिन आज का जो हमारा यूनिट है, जो आज हम स्टार्ट करेंगे, वो है यूनिट नंबर 4 यानी मैटर। मैटर मीन मादा। मादा उस चीज़ को कहते हैं जो जगह भी घेरता है और उसका एक वजन भी हो, उसको हम कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। मैटर मीन मादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉलिड सख्त चीज़ें जो होती है, लिक्विड जो पानी वगैरह माया की शक्ल में होती है, एंड गैस, ये सब जो है ये मैटर की किस्में हैं। मैटर मीन मादा, वो चीज़ जो जगह भी घेरे और उसका वजन भी है, उसका वजन भी हो, उस चीज़ को हम कहते हैं मैटर। नाउ ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोग आ जाए पेज नंबर 28, 29 और 30। मैं आप लोग को डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखवाऊंगी, ये आप लोगों ने अपने बुक पे अच्छे तरीके से पेंसिल से नीचे अंडरलाइन करके उसके ऊपर आपने ये मीनिंग नोट करने हैं। नाउ ऑन बुक, द फर्स्ट वन डिफ़िकल्ट वर्ड मैटर। मैटर, मैटर मीन मादा। मैटर मीन मादा। नंबर 2, थिंग्स मीन चीज़ें। थिंग्स मीन चीज़ें। नंबर 3, अर्थ मीन ज़मीन। अर्थ मीन ज़मीन। द फोर्थ वन इज़ मैनी। मैनी मीन कई। मैनी मीन कई। द फिफ्थ वन इज़ शेप। शेप मीन शक्ल। शेप मीन शक्ल। द सिक्स्थ वन इज़ डिफरेंट मीन मुख्तलिफ। डिफरेंट मीन मुख्तलिफ। द सेवन्थ वन इज़ चेंजेस। चेंज मीन तब्दील या तब्दील होना, किसी चीज़ का चेंज होना, उसको हम कहते हैं तब्दील होना। आइस मीन बर्फ। द नाइन्थ वन इज मेल्ट्स मीन पिघलना, जिस तरह के बर्फ़ पिघलता है उसको हम कहते हैं मेल्ट। क्या कहते हैं मेल्ट। मेल्ट मीन पिघलना। द टेंथ वन इज काइंड्स काइंड्स मीन किस्में। काइंड्स मीन किस्में। द इलेवेंथ वन इज सॉलिड यानी ठोस या सख्त, जिस तरह के हमारे पास पत्थर वगैरह होते हैं, वो स्टोन होता है, ठोस होता है, तो उसको भी हम सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड मीन सख्त चीज़ या ठोस चीज़। द ट्वेल्थ वन इज फ्लो मीन बहाव, जिस तरह के पानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये इस पानी का फ्लो हो गया यानी इसका बहाव हो गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये आपने अपने पेज नंबर 28, 29 एंड 30 पे नोट करने हैं और इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ताकि आप लोगों के लिए कोई डिफ़िकल्टी ना हो। नाउ ऑन बुक, पेज नंबर 28, यूनिट नंबर 4, मैटर। मैटर मीन मादा। ये जितने चीज़ें भी आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये सारे जो है मैटर है यानी मादा है। देखो, इसने जगह भी ली हुई है और इसका कोई वेट यानी कोई वज़न भी होगा, तो ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मैटर यानी मादा। क्या कहते हैं? मैटर। ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ आर मेड ऑफ मैटर। जितने भी चीज़ें हैं हमारे इस ज़मीन में, वो सारे जो हैं मैटर से, मादे से मिलकर बने होते हैं।
ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ आर मेड ऑफ मैटर, जितने भी थिंग्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं हमारे ज़मीन में, हमारे माहौल में, ये सारे मैटर से बने होते हैं। किस चीज़ से? मैटर से, MATER, मैटर, मैटर से मिलकर बने होते हैं। नाउ पेज नंबर 29 पे है, मैटर टेक्स मेनी शेप्स। यहाँ पर बताया है कि मैटर टेक्स, मादा जो है वो कई शेप्स लेता है और कई शेप इख्तियार करता है। यहाँ पर आप इस पेज को देखते हैं, ये भी एक मैटर है जिसका एक मुख्तलिफ शेप है, जिसके कई शेप है। ये देख सकते हैं, ये एग है, इसका अब डिफरेंट शेप है, ये बेलून है। ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे मैटर में आते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो जगह भी कहते हैं और इनका अपना एक वज़न भी होता है, तो इसको हम कहते हैं मैटर। इसलिए हमने कहा है कि मैटर टेक्स मेनी शेप्स, मैटर के कई शेप्स हैं, कई रंग हैं। मैटर इज़ ऑफ मेनी कलर्स। अब यहाँ बताया है कि मैटर इज़ ऑफ मेनी कलर्स, इसी तरह मैटर्स के, मादा के कई कलर भी मौजूद है। जिस तरह कि हमने पहले कहा है कि मैटर के कई शेप होते हैं और हमने अभी कहा है कि मैटर के कई रंग होते हैं, तो ये देख सकते हैं ये फूल, ये भी एक मैटर है जिसका येलो कलर है। ये फुटबॉल जिसका जो कि मल्टी कलर से बना हुआ है, ये लीफ जो कि ग्रीन कलर का है, ये बॉटल देख सकते हैं जो कि वाइट कलर का है। ये सारे मैटर है जिनके मुख्तलिफ रंग हैं और मुख्तलिफ शेप है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग जो है पेज नंबर 28 और 29 की कंप्लीट हो गई है, और आपने जो है इसको अच्छे तरीके से, ये डिफ़िकल्ट वर्ड जितने हैं इसको अपने बुक पर जो है नोट करने हैं, और साथ में इसको बार बार दोहराए भी, ताकि आप लोगों के लिए रीडिंग में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।